बहनों, हमें आज सीखना है अक्षर र और अ। ये है रस्सी का गट्ठा। अरे ये क्या, देखो रस्सी ने लिख दिया अक्षर र। ये है अक्षर र, रस्सी, अक्षर र। तुम ये मत सोचना कि आज मैं उदास हूँ, मैं जरा काम करते करते थक गई थी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बहनों, अब तक तुमने ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि सारे अक्षर बनाने में कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, कुछ सीधी लकीरें, कुछ आधे पूरे गोले से ही कितने अक्षर बन जाते हैं, है ना? तो चलो अब हम सीखेंगे अक्षर र। छोटे चांद जैसी लकीर, बिंदी, दुम वाली छोटी लकीर और उसके ऊपर वही छत वाली लकीर और बन गया अक्षर र। एक बार फिर देखें। अच्छा बहनों, एक बात तो बताओ कि छत वाली लकीर तो हर अक्षर में लगती है, और मान लो अगर कभी मैं लगाना भूल जाऊं तो क्या तुम भी लगाना भूल जाओगी? हाँ नहीं ना? हाँ कभी मत भूलना। वैसे लिखते लिखते खुद ही आदत पड़ जाती है छत वाली लकीर की, इसीलिए तो मैं भी लगाना नहीं भूलती। अच्छा अब मैं चलूं, फिर आऊंगी। हाँ तुम दोनों अचानक इस तरह यहाँ आ गए, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी गौरी को जबान दी है तुमने। अरे वे गीता, एक ही बात को कब तक दोहराती रहोगी, कोई नई बात करो। अच्छा ये बताओ, चिट्ठी लिखोगे वहां से? हर हफ्ते एक चिट्ठी। और तुम? हाँ जरूर, लेकिन यहाँ गांव में डाक में जरा मुश्किल होती है। तुम ऐसा करना, वहां पहुंचकर अपना पता लिख भेजना, मैं कोशिश करूंगी। मैं जरूर। लेकिन गीता, तुम्हारा कहीं और जाने का तो कोई इरादा नहीं है ना? अभी क्या कह सकती हूँ, वैसे गाँव में एक दो लड़कियां हैं जो स्कूल को चला सकती है। एक बात बताऊं गीता, जब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव चली गई थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। अच्छा? लेकिन अब लगता है कि तुमने अच्छा ही किया, इससे कम से कम एक गाँव की तकदीर तो बदल ही जाएगी। अरे आदर्श, तुम तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो। हाँ मैं मानती हूँ कि गाँव काफी बदल गया है, मगर इसका श्रेय तो वहाँ के लोगों को जाता है ना, और खास तौर से वहाँ की महिलाओं को। अरे तो बहुत देर हो गई, अपना सामान तो देख लो। तुम्हारी बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अरे भाई मशगूल, सामान बाहर निकालो भाई। क्यों, पहचान गई ना? हम सब इसे खाने में डालते हैं, तो जरा इसे गौर से देखो। इन सब अदरकों को मिलाकर बना है आ, पर आ से ही तो शुरू होता है अदरक। एक बार फिर देखो, अदरक मिलाकर लगते हैं आ। अरे रे रे, कहाँ चल दी भाई? मैंने कहा ना कि जब तक पूरे अक्षर नहीं सिखा दूंगी, तब तक मैं तो इसी तरीके से आती रहूंगी। हाँ तो सुनो, आज हम लिखना सीखेंगे अक्षर अ। छोटा आधा गोला बनाया यूं, एक आधा गोला और बनाया, छोटी लकीर, खड़ा डंडा, छत वाली लकी और ये छोटा आ।
एक बार फिर। याद रहेगा ना? देखो सब याद रखना, भूलना नहीं, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। हाँ अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। ये देखो ऊंची ऊंची इमारतें जो अपने गांव में तो नजर आती नहीं है, तो इसे कहते हैं शहर। श ह र, शहर। किसी भी शहर में जाओ तो हर तरफ सड़कों पर चलती हुई मोटर कार दिखाई देती है। क आ र, कार। ये है अदरक। अ द र क, अदरक, जो खाने का स्वाद बढ़ाता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अदरक, ये क्या है? मीठा और रसदार। अ न आ र, अनार। इसमें मोती जैसे लाल दाने होते हैं। अब जब भी तुम अनार देखोगी तो तुम्हें खुद ब खुद याद आ जाएगा अ न आ र अनार। अरे कमला, अभी तक तेरी गीता बहन जी ना आई। अच्छा, गीता दीदी? मेरी तो गीता बहन जी हो गई और तेरी तो कुछ ना लगी। क्यों क्यों लगे? क्यों ना, मेरी तो बेटी समान है। अरे तो मौसी फिर कहती क्यों ना? अरे माँ को शर्म लगे। अच्छा एक बात बता मौसी, गौरी तो ना सताती अब तेरे को? गौरी सताने से बाहर जा रहा है तो गौरी नाम कैसे रहे उसका? वो सलेट तो छूटे ना उसके गले से, उसी पे लिख लिख के सतावे मुझे। मौसी अब तो वो फिर से बोलने लगी है। अरे कोयल सी रूठ गया, ऐसा अच्छा लग गया, पर मुझसे ना बोले, मुझे तो उसी मरी काली तख्ती पे लिख लिख के चिढ़ावे। एक बात कहूँ मौसी, अगर मेरी माने ना तो तू उससे दोस्ती कर ले। अरे क्यों? देख स्कूल जाते तो तेरे को शर्म लगे, तो इसी बहाने तू चुपके चुपके उससे पढ़ना लिखना सीख लियो। अरे रहन दे, उस बालिस भर की छोरी से मैं पढ़ना सीखूंगी? नाक में दम कर देगी मेरे? क्यों, ऐसी ना है वो, बड़ी अच्छी है मौसी। तो सब बात तो करके देख, जब प्रेम भैया को ये पता चलेगा कि उसकी माँ ने पढ़ना लिखना सीख लिया है तो कितना अच्छा लगेगा उसे, है ना? अरे रहन दे, क्यों बावला बनाया मुझे है? 50 बारी कह दिया ये मेरी उम्र ना है पढ़ने लिखने की। और 50 बारी मैंने भी कह दिया तेरे को कि हर उम्र हो गया पढ़ने की। अरे मौसी तू खुद सोच, मैंने भी तो ब्याह के बाद ही पढ़ना लिखना शुरू किया था कि नहीं? अरे तेरी बात और है, तूने तो पढ़ लिख के बहुत अच्छा किया। पहले तो मैं भी यही सोचू थी ये पढ़ लिख के छोरियां निर्लज बन जावे, पर तुझे और सुधा को देख के तो ऐसे कलेजे में ठंडक पड़ जावे सच्ची। अरे मौसी ये तू क्या कह रही है, कितनी अच्छी है तू। मौसी इसी बहाने तूने मेरी भी आज तारीफ कर दी। अरे होशियार रही हो, मैं जिसकी तारीफ करूँ ना उसकी पिटाई भी कर दी। कर ले, जितनी पिटाई करनी है कर ले, तेरे को तो हक क्या मौसी। सच्ची कहूँ तो मेरे को कितना भी मारेगी ना तो मैं कभी ना रोऊंगी। बेशरम हड्डी है। क्यों मारूंगी रे तुझे मैं, है? तू सदा खेले हंसे फूले, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। अरे अभी तक ना आई गीता, बस भी आ गई होगी अब तक। मौसी एक बात कहूँ, कभी कभी देर हो जाए ऐसे तो फिर ऐसा है ना, चलो है, तू कह दियो बहन जी से कि मैं आई। अरे ना मौसी तू बैठ, तो
जहाँ इतनी देर ठहरी है थोड़ी देर और ठहर जा, आती होगी तेरी गीता बेटी। ये है अखबार। अ ख ब आ र, अखबार, जिससे हमें सारी दुनिया की खबरें मिलती हैं। दुनिया भर से खबरें इन मशीनों के द्वारा मिलती हैं। इन खबरों को छांटकर अपने काम की खबरें कंप्यूटर से बना ली जाती हैं और उन्हें जोड़कर अखबार का रूप दे दिया जाता है। उसका फोटो खींचकर एक नेगेटिव बना लेते हैं और नेगेटिव का फोटो एक प्लेट पर ले लिया जाता है। और यही प्लेट मशीन में लगाकर उससे हजारों अखबार छाप लिए जाते हैं। फिर अखबारों को इकट्ठा करके बंडलों में बांध दिया जाता है और इस तरह हम तक पहुंचते हैं ये अखबार। अले आ गई, आ गई। राम राम मौसी जी। जीरा बेटी, यूरी कैसा लगा सर? हैं मौसी मेरी बात सुन, ऐसी खबर लाई हूँ तेरे लिए, सुनेगी ना तो एक बनारसी साड़ी दिलाएगी मुझे। अरे बहन जी तू एक क्या दो दो ले लीजियो, पर खबर तो बता। अभी बताती हूँ। ये देख क्या लिखा है इसमें। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि तेरा प्रेम जो है ना वो भारत की टीम में आ गया है और अगले एशियाई खेलों में भारत की तरफ से हिस्सा लेगा। कहाँ लिखा है ये देख? ये पढ़ना सीखोगे। पा र पर पा आई की मात्रा र पैर श ह र शहर अ ख ब आ का डंडा र अखबार अ त र क अदरक अ ज ग र अजगर। बहनों हम आज सीखेंगे एक अक्षर त और ओ की मात्रा। ये तोता है, तुमने इसकी चोंच तो देखी होगी पर ये नहीं सोचा होगा कि तोते की चोंच बिल्कुल अक्षर त जैसी लगती है। जरा गौर से देखो, त से तोता, तोते की चोंच, और चोंच बिल्कुल त जैसी। सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो ना बहनों, सीखने सिखाने में कुछ इतनी मजेदार बातें होती हैं कि कुछ और बात हो ही नहीं पाती। खैर और बातें तो होती ही रहती हैं। पढ़ना पढ़ाना पहले है ना? हाँ जी, तुम्हें तो मालूम है ना कि पढ़ने और लिखने से फायदे कितने हैं। तो बहनों आज हम लिखेंगे अक्षर त। हाँ बहुत ही आसान है। देखो एक घूमी हुई लकीर बनाई यूं, इसके साथ एक खड़ा डंडा बनाया ऐसे, फिर छत वाली लकीर और ये बन गया अक्षर त। अरे ये तो बहुत ही आसान है। एक बार फिर से,
कमला, तेरा कोई मेहमान आया है बाहर। मेरा मेहमान? हाँ, एक आदमी है, कह रहा है तेरे ससुराल से आया है। क्या काम है मैंने उसे? कह रहा था कि तेरी सास ने भेजा है तुझे दिवाने के लिए। तो फिर आपने मना कर दिया ना? ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, इसमें मैं बोलने वाली कौन? आप ही तो सब कुछ हो बहन जी। फिर भी कमला, इसका फैसला तो तुम्ही को करना है ना। देखो, तुम मेरे पास पढ़ने आई, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, लेकिन आगे और कितना पढ़ना है इसके बारे में तो तुम्ही को सोचना है ना। ठीक है बहन जी, मैं उसको सुना कराती हूँ। ओह, है भी। देखो कमला, वो तेरी गाँव का है, जो कोई भी हो, अब तो तेरा अतिथि है ना, उसे अंदर लाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर जो जी में आए कह देना। अच्छा, अपना सामान मांग लो बहन, साँझ होने से पहले हमें चलना है। चलना है? मगर मेरे को कहाँ जाना भैया? तेरी सास ने बुलाया है तुझे। जब मैं उस घर में ब्याह के आई थी ना भैया, तो मैंने यही सोचा था कि अब तो बस मेरी अर्थी ही निकलेगी उस घर से। पर तेरी सास बिल्कुल बदल गई है, तुम चलो तो सही। मगर मैं तो नहीं बदली हूँ भैया, मेरी तो अभी शिक्षा भी अधूरी है, सब सपने अधूरे हैं। मैं वहां तभी जाऊंगी जब मेरा पूरा सम्मान होगा। वो भी होगा, तू चल तो सही। नहीं भैया, अभी मेरे को नहीं जाना, मेरी शिक्षा भी अधूरी है। अगर तू नहीं गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो कह रही थी अगर कमला नहीं आई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। ये कर सकती है तो ये भी कर ले। मैं भी बेसहारा नहीं हूं भैया, मेरे को भी अपने हक के लिए लड़ना आता है। ये लहलहाते हुए हरे भरे खेत गांव की शोभा है। इन खेतों की हरियाली आंखों को सुख और मन को शांति देती है। ये है खेत, ख ए त खेत, त क ल ई तकली। ये तकली ही रुई से धागा बनाने के काम आती है। तकली। अच्छा जरा बताना, जब हम घर बंद करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? त आ ल आ, समझ गई ना, ये है ताला। क्या बताऊं पंडिता, अब के फेरे में तो आनंद आ गया। अच्छा, कहाँ गए थे इस बार? पटना, अपने सूबे बिहार की राजधानी है। भाई क्या क्या देखा वहाँ? पहले तो गंगा जी पार देखा, मीलों तक पानी और उस पर एक बड़ा भारी पुल। मगर वहाँ पार्ट इतना चौड़ा कैसे हो गया? भाई पंडिता, अब बनारस से पटना तक पहुँचते पहुँचते तीन नदियाँ और गंगा जी में मिल जाती हैं। जय गंगे जय गंगे। ओ जी, गोल घर वेखा। अच्छा, 25 मीटर ऊंचा, कोई कमाल की चीज है। बाहर सीढ़ियां बनी है जिनपे चढ़कर पूरा पटना शहर दिखाई देता है और गंगा जी भी नजर आती है। मगर दर्शन ये है क्या? गंगा नदी के किनारे बसा है पटना शहर। गंगा पर बना पुल भारत के बड़े पुलों में से एक है। इस पुल से गंगा जी का नजारा बस देखते ही बनता है। पटना में ही अंग्रेजों की बनाई हुई एक बड़ी गोल कोठरी है जिसे गोल घर कहते हैं। इस पर से पूरा पटना शहर दिखाई देता है।
इसे अनाज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई और क्या देखा? कमरा हर गांव भी गया सी, जहां अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के खंडर है। सम्राट अशोक की बसाई नगरी पाटलिपुत्र के खंडहरों से हजारों साल पुरानी उस बस्ती की शान पता चलती है। पटना साहिब सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। पटना साहिब का गुरुद्वारा भी अमृतसर के हर मंदिर की तरह पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। क्या बताऊं पंडिता, क्या जगह है। मन को ऐसी शांति मिलती है जैसे बंदा स्वर्ग विच पहुंच गया हुए। आ हा 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 हा। ये देखो, इस मात्रा को हम पहले भी देख चुके हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक खड़ा सीधा डंडा और उस पर ये मात्रा, तो ये बन जाती है ओ की मात्रा, जो हर मात्रा की तरह हर अक्षर में ओ की आवाज जोड़ देती है। जैसे ल ओ की मात्रा लो, द ओ की मात्रा दो, ब ओ की मात्रा बो, स ओ की मात्रा सो, ज ओ की मात्रा जो, ह ओ की मात्रा हो और ध ओ की मात्रा धो। एक बार फिर से, धो, हो, जो, सो, बो, दो, लो, ओ की मात्रा। सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। तो बहनों, आज हम लिखेंगे ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा। हाँ, इसमें सबसे पहले ये खड़ा डंडा बनाया यूं, उसके ऊपर ये एक बिंदी बनाई ऐसे, और उससे मिलाकर ये टेढ़ी लकीर यूं, फिर वही प्यारी सी छत वाली लकीर। ये बन गई ओ की मात्रा। एक बार फिर, अरे पिचकारी से ये हरे लाल नीले रंग क्यों फेंके जा रहे हैं? हाँ, होली है भाई, होली है। ह ओ ल ई होली। देखो जमाल काम कर रहा है। चलें? छोड़ो भी यार, काम करने दो बेचारे को। अरे काम से कौन रोकता है, मगर आज तो होली है। वो बात तो ठीक है, पर रंग डालने से पहले उससे पूछ जरूर लेना। हाँ हाँ पूछ लेंगे। होली है, होली, होली है, है। हाँ होली है भाई, होली है। ह ओ ल ई होली। ये देखो, तुम्हारी जानी पहचानी मोटर कार दौड़ रही है। इसे आम जबान में मोटर ही कहते हैं। म ओ ट र मोटर। तोता, मोर, ये है रंग बिरंगी खूबसूरत सी तितली। त, त पे छोटी ई की मात्रा, त, ल, और ल पर बड़ी ई की मात्रा, तितली।
जब हम खुले आंगन में रात को लेटते हैं तो हमें आकाश में ये छिल मिल करते हुए तारे कितने अच्छे लगते हैं। ये हैं तारे, त आ र ए तारे। ता बड़ी की मात्रा, रा तीर, त का ल बड़ी की मात्रा तकली, त आ का डंडा ल आ का डंडा ताला, त आ का डंडा र ये तारे, ता छोटी ई की मात्रा ता ल बड़ी की मात्रा तितली, मा ओ की मात्रा का मोर। शिक्षा दी चला के अपनी मंजिल पाना है।